हेलो एवरीवन दिस इज़ मी कविता पांडे और आपको पता है आज मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट करा है मैंने अपने आप को गिफ्ट करा है द रेड डायरी लुक एट दिस गाइस एक डायरी की हर डायरी की एक स्टोरी होती है तो मेरी डायरी के पीछे की भी एक स्टोरी है कि गाइस मुझे बचपन से ही डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब लिखना पसंद नहीं है लेकिन डायरी में लिखना पसंद है ठीक है तो तो मेरी फर्स्ट डायरी थी वो स्कूल की डायरी जो हमें स्कूल के होमवर्क के लिए मिलती होती जिसमें हमें होमवर्क यू नो होमवर्क नोट करना होता है लेकिन मैंने uh, मैंने एक साल पुरानी डायरी जो होती है हमारी तो स्कूल की जो डायरीज होती थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी ठीक है तो मैंने उस स्कूल की डायरी को अपनी पर्सनल डायरी में कन्वर्ट कर दिया लेकिन वो बात अलग है कि उसकी सारी बातें मेरी मम्मी को पता चल गई क्या क्या मैंने लिखा उसमें लेकिन फिर तब से मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे वो डायरी छुपानी पड़ती थी अपने बचपन में कि कोई उसे देख ना ले और स्कूल में भी छुपानी पड़ती थी लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरी डायरी देख ले लेकिन लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना कि वो किसी को ना ही पता चले तो वो अच्छा है तो देखो मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट करा मैंने अपने आप को एक डायरी गिफ्ट करी है वो भी रेड कलर की आज हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं द रेड तो हर डायरी के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है टाइम अप होने वाला है मुझे जल्दी पकना होगा रेड रिलीज टू लव एंगर एंड पैशन एंड सेल्फ अवेयरनेस इट इज द एरिया ऑफ सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी टाइम अप